और अब शुरू करते हैं दुटूक। 2024 के रण को लेकर एक तरफ बीजेपी ने योजनाओं की झड़ी लगा दी है, पीएम मोदी और सीएम योगी सौगात पर सौगात दे रहे हैं, बीजेपी वोटर्स को 24 में लुभाने की तैयारी करें, लेकिन दूसरी तरफ INDIA गठबंधन के दल बीजेपी से मुकाबले के बजाय आपस में उलझे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। अखिलेश यादव कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश ने साफ शब्दों में कहा कि अगर गठबंधन केवल राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। मतलब साफ है, राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन दलों में लड़ाई तेज होती जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर गठबंधन के दल ऐसे ही लड़ते रहे तो मोदी और योगी की जोड़ी से कैसे वो मुकाबला कर पाएंगे। दुटूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। INDIA में क्लेश, अब क्या करेंगे अखिलेश? गठबंधन की लड़ाई क्या धोखे पर आई? सीटों की टेंशन, 24 में अब किसे मिले अटेंशन? मोदी योगी का विकास, INDIA की टूटी आस, MP में छिड़ी लड़ाई, UP में कैसे करेंगे चढ़ाई? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। मेहमान जुड़े हैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। दीपक रंजन जी, जिस उम्मीद से आगे बढ़े थे वो उम्मीद तो टूटती नजर आ रही है, हालांकि लोकसभा चुनाव तो दूर, उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव वहां कोशिश तो की गई। सवाल है कि कांग्रेस बेवकूफ किसे बना रही है? देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है, और समाजवादी पार्टी निरंतर जो है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाती आ रही है, और एक समय ऐसा था कि जब समाजवादी पार्टी के राहुल जी वहां पर 8 से 9 विधायक हुआ करते थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार वहां पे प्रत्याशी उतारती है। अभी 2018 में जब कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के एक विधायक की आवश्यकता थी, तो बिना देर किए समाजवादी पार्टी ने समर्थन पत्र दे दिया था। हालांकि उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि इनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में समायोजित किया जाएगा, वो भी खैर बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी, फिर भी हमने इन चीजों को उस पर नहीं किया। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है या नहीं, और अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर ही अगर ये गठबंधन हो रहा था जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया मोर्चा बना हुआ है, देखिए लोकसभा में ये मोर्चा इसी तरीके से चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपने पार्टी का विस्तार करेगी कि नहीं करेगी? वहां पे हमारा संगठन मजबूत संगठन है, वहां पे हमारे कार्यकर्ता है, हम उनको कैसे हताश और निराश कर सकते हैं? वहां पर उनकी मांग है कि समाजवादी पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से जब सारी बात हो गई, उसके बाद उन्होंने जो है वहां पे प्रत्याशी उतार दिया, जहां पर 2018 में हमारा विधायक जीते थे हमारी पार्टी से, उस जगह पे भी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारने का काम किया। एक-एक बजे तक मीटिंग हुई समाजवादियों की और कांग्रेस के बड़े नेताओं की। देखिए ये सारी चीजें तो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुल करके बता दी सारी बातें, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो बजे तक हमारे वहां के मध्य प्रदेश के सीनियर लीडरान गए, उनसे सारी बातें हुई, बल्कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि हम 6-7-8 सीटों पे हम कहीं ना कहीं हम विचार कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी जीती सीट थी, जहां पर हम कई जगह पे जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीटें, जहां पे हमने सेकंड पोल किया था, जहां पे हम रनर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो ये किस तरीके का गठबंधन? तो आपस में लड़ गए, बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? नहीं, देखिए लड़ा कोई नहीं है, और देखिए बीजेपी से तो जनता लड़ रही है ना, बीजेपी को तो छलने और ठगने का काम 9.5 साल में हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश में 6.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की जनता लड़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बेवकूफ बना रही है। प्रियंका गुप्ता जी, आप लोग तो, आपकी पार्टी तो समंदर है, एक लोटा जल अगर निकाल लेते, एक जग जल अगर निकल जाता तो क्या फर्क पड़ता? कम से कम INDIA तो बना रहता, हमें लग रहा है कि अब ये जो दरार है वो भरने से रही। राहुल जी देखिए, इस 5 राज्यों में जो सीधी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई,
और साफ जाहिर होता है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो या अन्य चार राज्यों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो जिम्मा हमने उठाया है पूरी तरह से साकार हो रहा है। और जिस तरह से जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं जो जनता को नागवार गुजरी है, चाहे वो महंगाई हो चाहे वो भ्रष्टाचार हो, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में फेल नजर आई है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, भ्रष्टाचार से हाहाकार है, और मैं समझती हूँ कि इसलिए जनता ने जो मन बनाया है वो लड़ाई ठीक है, लेकिन जो 24 आप लोग तो कहते हैं ना, जो 24 के लिए INDIA तैयार किया गया है, उस INDIA में समाजवादी पार्टी हालांकि पीछे है, पूछा क्यों नहीं जा रहा है? कम से कम गठबंधन का धर्म तो निभाया जाना चाहिए। आज ये दर्द अखिलेश का है, कल किसी और पार्टी का होगा, फिर जो सपना आप लोगों ने देखा है बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए, वो कैसे पूरा होगा? देखिए, मैं समझती हूँ जहां तक जो बात हुई थी वो 6 सीटों की बात हुई थी, उसके बाद 7 कैंडिडेट उतारे गए, उसके बाद अब 22 कैंडिडेट सपा की तरफ से उतारे गए हैं। और ये मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उनकी अभी अभी जो सीट है वो एकमात्र सीट है, और वो 22 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार कर किसका सपोर्ट करना चाहते हैं, ये उनके प्रवक्ता से पूछना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस हरा है, और पूरी तरह से ये बात सबको पता है, फिर भी उसके उसको वोट के बंटवारे के लिए जिस तरह से 22 कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं वो एक सवालिया निशान है जो सभी लोग लगा रहे हैं। इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के नहीं तो किसके लिए खेल रहे हैं फिर? समाजवादी किसके लिए खेल रहे हैं? ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, परंतु हम आकलन तो आप लोग भी कर रहे हैं ना कि वोटों का बंटवारा हो रहा है। नहीं, अगर वो खड़े होते हैं तो क्या क्या रीजन है, आप ये बताइए ना। उनकी पार्टी के एक ही विधायक है वहां पर, और उसके बाद वो अगर 22 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात करते हैं तो वो इनडायरेक्टली किसकी मदद कर रहे हैं, ये सबको समझ में आता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराना उनका मकसद है? और अगर मकसद उनका भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन तो करना चाहिए। 1 बजे तक सबको बैठा कर रखा गया था, बातचीत तो हुई रही थी, जिस तरह से बातचीत हो रही थी उसके बाद कैंडिडेट उतार दी गए, तो मैं समझती हूँ कि ये जल्दबाजी और ये जो गलती समाजवादी पार्टी किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, वो मुझे लगता है कि थोड़ा हरीश जी एक तरफ PM CM लगातार सौगात दे रहे हैं, अभी तक INDIA यही दल यही कहते रहे कि ये तो संविधान बचाने की लड़ाई है, अब मेरठ वालों को और दिल्ली NCR वालों को बड़ी सौगात कल मिलने जा रही है, गाजियाबाद में ही PM और CM कल रहने वाले हैं, लगातार विकास का काम, तो ये जो विकास वर्सेस जो INDIA की टूटी आस है किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों का सवाल है उत्तर प्रदेश में। देखिए, INDIA तो मजबूरी का गठबंधन है, लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी पहले ही कह चुके, और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से कहती आई है कि ये जो स्वार्थ और सत्ता के लिए केवल जो गठबंधन बनाए जाते हैं वो कभी सरवाइव नहीं कर सकते। आज आप देख रहे हैं, अभी तो लोकसभा का टास्क तो बहुत दूर है, ये विधानसभा में जो तूतू मैमें हो रही है, इससे जो भारतीय जनता पार्टी कहती आई है वो आप उसका आकलन कर सकते हैं। इनका अगर कोई वैचारिक साम्यता होती समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, या TMC में, कांग्रेस में, या विभिन्न जो घटक हैं, ये तो सत्ता की जोड़ जुगत के लिए मोदी जी की लोकप्रियता से, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से भयभीत होकर के ये किसी तरह से मजबूरी में इकट्ठा हो रहे थे। और वो भी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी स्टेट का चुनाव है, वहां ही इनके गठबंधन का क्या हाल हो रहा है एक दूसरे को। हरीश जी ये भी देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता जी एक मिनट, जनता पार्टी लेकिन हरीश जी प्रियंका गुप्ता कह रहे कि समाजवादी पार्टी आप लोगों के लिए खेल रही है, जो बात आती है मध्य प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस खेल रही है आप लोगों के लिए, जनता देगी। और हरीश जी आवाज आ रही है, मुझे तो लगता है कि आवाज आ रही है। 22 के पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में श्रीमान अखिलेश यादव जी जो सपा के मुखिया है और समाजवादी पार्टी में मांग चुकी थी, क्या राज्यों में चुनाव नहीं लड़ता? आज दूसरे के गठबंधन पे आप प्रोटियम से सेक रहे हैं, आप अपनी बात क्यों नहीं करते? आप ये बताने में असमर्थ है कि पांच नहीं, लेकिन प्रियंका जी मकसद क्या था, और INDIA का मकसद क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, ये भी तो बता दीजिए दर्शकों को,
केवल और केवल संविधान बचाना और बीजेपी को हराना। तो बीजेपी को हराना 2024 के चुनाव में सीधा फॉर्मूला था कि 2024 के चुनाव में हम एक हैं, और अभी तक उससे पहले एक नहीं है, उससे पहले एक नहीं है, तो एक नहीं है तो 1 बजे तक मीटिंग क्यों की गई? सवाल यह है कि कमलनाथ से दिग्विजय से मुलाकात क्यों? दीपक रंजन जी बड़ा दिल आप लोगों ने खूब दिखाया, लेकिन वही बड़ा दिल कुछ ज्यादा ही बड़ा होने की वजह से हार लगातार मिलती गई। जब बड़ा दिल दिखाने की बारी और कहीं आई, एक मिनट दीपक रंजन जी, जब बड़ा दिल दिखाने की कहीं और बारी आई तो वहां तमाम बातें कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बात कर रहे हैं, एमपी में कुछ और बात हो रही है। देखिए राहुल जी, आदरणीय श्री हरीश श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सेंसिबल प्रवक्ता हैं, ये इंडिया मोर्चा को लेकर के तो बहुत ज्यादा हैरान परेशान डेस्परेट हैं, लेकिन ये शायद अपने इंडिया गठबंधन में झांक करके नहीं देख रहे। देखिए इंडिया मोर्चा में आज जो भी लोग हैं सब लोग एक सुर में, पूरा मोर्चा एक सुर में जो है, सबके विचार मिलते हैं, लेकिन एनडीए के विचार कास्ट सेंसस को लेकर के देख लीजिए, इनके एनडीए अलायंस के जितने घटक दल हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, एक चीज बता दीजिए, क्या संजय निषाद जी की पार्टी हो, मेरी सवाल, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बात कही है, ये वर्ड कहां से आया, मेरी बात चिरकुट वाली बात कहां से आ गई, मेरी बात देखिए पूरी आ जाने दीजिए, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी सवाल आप लोगों के लिए है ना, आप लोगों के गठबंधन फिर तो आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका तो इसमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो आप तो कह रहे हैं ना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना कि कांग्रेस तो बीजेपी के लिए खेल रही है, और यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए खेल रही है। अरे ना आप सदन में बोलने दोगे विपक्ष को, ना आपने डिबेट में बोलने दोगे आप विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी सदन में भी बोलेगी और डिबेट में भी बोलेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी इनके घटक दल है कि नहीं है? आज उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो चौदह से पंद्रह सीटें मांग रहे हैं। हरीश जी बताएंगे। अरे तो अपना महिमा मंडप करो। ठीक है, दीपक रंजन जी एक मिनट, दीपक जी आवाज आ रही है, सुन रहे कि नहीं आप? धार्मिक दीपक जी आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही है। एक मिनट हरीश जी, अपना दल और बीजेपी के बीच साठगांठ कब से है? लगातार जब से आप चुनाव हार रहे हैं, उससे पहले से है, लेकिन कांग्रेस के बाद क्या लगातार कांग्रेस के साथ, कभी किसी के साथ आप लोगों ने किया, लेकिन अब यहां आए INDIA बनाने के लिए, कांग्रेस कह रहे हम तो 24 के लिए हैं, और आप कह रहे हमें पता ही नहीं, मतलब बताने वाला तो कोई होगा, ये कम्युनिकेशन गैप क्यों है? बीजेपी तो बस लेगी। देखिए राहुल जी, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, सब मिल बैठ करके 2024 के लिए जो मोर्चा बना हुआ है वो बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव एक चीज बता दीजिए, अखिलेश यादव ये चिरकुट जैसा वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए ऐसा है हरीश जी, अगर आप बोलने का मौका दे यहाँ पे बीच में आप इंटरप्ट करेंगे। मेरा जो सवाल है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? देखिए अब बात यह है कि जब आदमी बड़े पद पे हो और छोटी बातें करे, इंसान को अपने पद की भी तो गरिमा रखनी चाहिए कि आप एक सम्मानित पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लगातार मध्य प्रदेश को, अरे आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप यहाँ के बारे में बताइए। आप जब से प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से आप इंडिया मोर्चा में झंडा लगाने का काम कर रहे हैं। अजय ही पराजय कराएंगे क्या? अजय ही पराजय कराएंगे? मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत रहे हैं और उसके लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन देना चाहिए अगर वो 24 की लड़ाई साथ लड़ना चाहती है। परंतु मैं ये भी कहूंगी कि भाषा की गरिमा होनी चाहिए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, भाषा की गरिमा राजनीति में और भाषा की शुचिता होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय। परंतु यहाँ पर मैं सीधे तौर से ये कहना चाहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, क्या ये बताएं कि इनके घटक दल क्या किसी स्टेट में जाके चुनाव नहीं लड़ते इंडिविजुअल? क्या आज इनको रोटियां सेकने का यहाँ मौका मिल गया? भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए काम 5 राज्य में गिना नहीं सकती है यार। जिस तरह से भ्रष्टाचार, इन्होंने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से पूरी तरह जनता त्रस्त आ गई है,
नहीं तो वही तो कह रहे हैं कि एक साथ मिल जाना चाहिए था आप लोगों को, ये नहीं बोल पा रहे, एक साथ मिल जाना चाहिए था सपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, एक साथ मिल जाना चाहिए था, जमकर मुकाबला करना चाहिए था, हरा देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। प्रियंका जी जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो गरीब, प्रियंका जी और चाहे कोई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, भाजपा नहीं रोटी सेक रही है, लेकिन सब सही है दीपक रंजन जी, ठीक है दीपक रंजन जी, सीट नहीं मिला तो कम से कम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो ना करते, गलत बात है ये सीट के लिए है ये सब। अब ये तो देखिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहिए कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। और आदरणीय अजय राय जी समाजवादी पार्टी के एक अभिन्न अंग रहे, समाजवादी पार्टी में रहे वो, उनको मालूम होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लिए जो है उनको तो एक ब्रिज का काम करना चाहिए इंडिया मोर्चा में, लेकिन वो तो जब से प्रदेश अध्यक्ष बने इधर की उधर उधर की। पहले आप लोग जो मनभेद मतभेद है वो दूर कर लीजिए, हमें लगता है कि 24 तक INDIA रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी अब एक यक्ष प्रश्न होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जमकर बयानबाजी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल है कि क्या 24 तक INDIA बरकरार रहेगा या फिर मोदी और योगी की जोड़ी 24 में कमाल करेगी। दो टूक में इतना ही।